दो मिलियन पहले से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अर्लीस्ट पीपल रहा करते थे। वो अलग अलग एक्टिविटी करते थे, लाइक हंटिंग करते थे, फ्रूट्स को गेदर करते थे और स्टोन टूल्स बनाते थे। उसके साथ साथ केप्स में बहुत सारी डिजाइनिंग भी किया करते थे, लाइक पेंटिंग करते थे और बहुत सारे एक्टिविटी किया करते थे। ये सारे चीज हमारे एंशियंट अर्ली पीपल किया करते थे। हेलो डियर लवली कलीग्स, आई एम आरवी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसी पॉइंट्स को हम लोग पढ़ने वाले कि जो हमारे अर्लीस्ट पीपल थे वो क्या करते थे, हु डिड व्हाट, कौन क्या क्या करते थे। हमें एग्जैक्ट ये पता नहीं चलता है कि वोमेन क्या करती थी या मेन क्या करते थे या चिल्ड्रन क्या करते थे, इसके बारे में हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। इतना तो हमें ये पता है कि हंटिंग करते थे, फूड्स गैदर करते थे, स्टोन टूल्स बनाते थे और केप्स में पेंटिंग भी किया करते थे। ये सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन ये तो हमें पता नहीं चलता है कि बच्चे पेंटिंग करते थे या महिलाएं हंटिंग करती थी या मेन स्टोन टूल्स बनाते थे। एग्जैक्ट तो हमें ये नहीं पता चलता है, लेकिन हमारे जो स्कॉलर हैं वो इसका दो तथ्य निकालें। पहला ये निकाले हैं कि हो सकता है कि मेन हंटिंग करते होंगे और जो औरत हैं वो घर की जो सामान को पूरी तरह से व्यवस्थित करती होंगी, या इसका पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि मेन और वुमेन दोनों एक साथ टूल्स बनाते होंगे और बच्चे घर पे जितने भी सामान होगा उसको इकट्ठा करते होंगे या बच्चे खेलते होंगे, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन ये भी है कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकता है। हो सकता है कि हमारा जो कोलकाता है वहाँ पर अलग हो सकता है, तमिलनाडु में अलग हो सकता है, जम्मू एंड कश्मीर में अलग हो सकता है और गुजरात में अलग हो सकता है। क्या अलग हो सकता है? जैसे कि अलग ये हो सकता है कि औरत काम एक ही करती होगी और मेन भी एक ही काम करते होंगे, बच्चे भी एक ही काम करते होंगे, ये भी हो सकता है। आप कोलकाता की बात करो तो कोलकाता में हो सकता है कि मेन सिर्फ काम करते होंगे और औरतें होंगी वो घर के काम करती होंगी, या वो टूल्स बनाती होंगी, या जो बच्चे होंगे वो फूड्स को गैदर करते होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन जो ये सब कॉन्टिनेंट है सब जगह पे सेम ही नहीं होगा, सेम कल्चर नहीं देखने को मिलेगा, हर जगह अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगा। इसी के बारे में हम लोग को जानना था कि हमारे जो एग्जैक्ट अर्लीस्ट पीपल क्या क्या करते थे। तो सब कोई एक काम नहीं करता होगा, कोई हंटिंग कर रहा होगा तो कोई स्टोन टूल्स बना रहा होगा। सिंपल सी बात है, आप इसको प्रेजेंट के सिचुएशन से आप रिलेट कर लो। जैसे कि आप इसको गांव में कुछ अलग देखोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट में कुछ अलग देखोगे और शहर में कुछ अलग देखोगे। ज़्यादातर आप गांव में देखोगे कि ज़्यादातर आपको हाउसवाइफ मिलेंगी, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ तो हाउसवाइफ का मेजोरिटी बहुत कम मिलेगा। हो सकता है कि मेन और वोमेन दोनों एक साथ काम करती होंगी। लेकिन ध्यान देना, यहाँ एक बात और है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही काम कर सकता है, लेकिन वो एक समय में बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़कर अलग अलग काम करवा सकता है, ये भी हम लोग को समझना होगा। और आप इसको समझो कि बड़े बड़े जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ इसका पॉसिबिलिटी अलग हो सकता है, महिलाएं अलग काम करती होंगी, पुरुष अलग काम करते होंगे, बच्चे भी अलग काम करते होंगे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अभी के सिचुएशन से। तो आप अभी के जो सिचुएशन है या अभी के जो कंडीशन है उसको आप रिलेट कर लो किससे, तो हमारे जो एंशियंट में जो अर्लीस्ट पीपल रहते थे उसके बारे में रिलेट कर लो। इससे क्या होगा कि आप इसको ज़्यादा दिनों तक रख सकते हो और समझने में भी इजी होगा। तो यही बात है कि कौन क्या करते थे। उसके बाद से हमारा सेकेंड टॉपिक है ऑस्ट्रिच इन इंडिया। ऑस्ट्रिच के जो एविडेंस मिले हुए हैं कहाँ पे, पटनी इन महाराष्ट्र, पटना इन बिहार नहीं, पटनी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जहाँ पे हमें ऑस्ट्रिच के अंडे मिले हैं, अंडे के छिलके मिले हुए हैं। और ऑस्ट्रिच सबसे पहले वो अफ्रीका में पाई जाती थी और पैलियोलिथिक पीरियड की बात हो रही है। जो हम ऑस्ट्रिच मिली है पटनी इन महाराष्ट्र, वो पैलियोलिथिक एक साइट है, वहाँ पे इसके एविडेंस मिले हुए हैं। ऑस्ट्रिच के जो अंडा होता था उस टाइम वो माला के लिए उपयोग किया जाता है। वो एक अंडा होता है ऑस्ट्रिच का और उसके दोनों साइड से छेद करके माला बनाने के लिए यूज़ किया जाता था उस टाइम में। ये ऑस्ट्रिच है जो है वो अफ्रीका से माइग्रेट होकर एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए।
कहाँ से? तो ये जनरली ज्यादातर एशिया अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, और इसका हाइट होता है 9 फीट तक इसका हाइट होता है। ये दुनिया के सबसे फास्टेस्ट रन कर सकती है, सबसे फास्ट में दौड़ सकती है। दुनिया की एकमात्र ऐसी पक्षी है जो सबसे तेज दौड़ सकती है, और एकमात्र ऐसी पक्षी है जिसका हाइट 9 फीट तक होता है, ऑस्ट्रिच का। अगला हमारा टॉपिक है ए क्लोज लुक अबाउट हंसी। हंसी एक पैलोलिथिक साइट है जो पड़ता है कर्नाटका में, और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यादगिर डिस्ट्रिक्ट, या स्प्रिंग के बगल में है या झरने के बगल में है। हम लोग ने जितने भी पढ़े हैं साइट्स, वो किसके बगल में, या तो रिवर्स के बगल में, या लेक्स के बगल में, या ओशियंस के बगल में, और उसके बाद जो हंसी है वो भी एक स्ट्रीम के बगल में, वो एक झरने के बगल में है, और कर्नाटका में पड़ता है, कर्नाटका के यादगिर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और इसे हैबिटेशन कॉम्पैक्ट्री साइट से बोला जाता है। क्यों बोला जाता है हैबिटेशन कॉम्पैक्ट्री साइट, क्या रीजन है? तो उसका रीजन ये है कि जो हमारे अर्लीस्ट पीपल थे वो इस जगह पे रहा भी करते थे, प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे टूल्स भी बनाते थे। तो जो हमें 1500 जो हमें टूल्स मिले हुए हैं यहाँ पे, उससे ये पता चलता है कि हमारे जो अर्लीस्ट पीपल थे वो यहाँ रहा भी करते थे, और अपने यूज़ के लिए यहाँ से टूल्स भी बनाया करते थे। जो टूल्स मिले हुए हैं वो लाइमस्टोन के हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं। कहाँ पे? तो हुंसी कर्नाटका में मिली हुई, कर्नाटका के यदगिर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सब रहा हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और इसका जो आपको नोट्स है वो इंस्टाग्राम पे मिलेगा। इसके रिलेटेड आपके को आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू वेरी मच।